हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इलेक्ट्रिकल खजाना। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है HPCL से रिलेटेड बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन की तरफ से अभी लड़कों ने हाल ही में इसका फॉर्म भरा था और इसका एग्जाम शेड्यूल और सिलेबस दोनों आउट हो चुका है। हम हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। लिंक पे क्लिक करके आप भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आने के बाद अपना एग्जाम शेड्यूल और नोटिफिकेशन स्वतः भी देख सकते हैं। बाकी हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि देख सकते हैं, हम HPCL के ऑफिशियल साइट पे हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आप सभी को नीचे चलना है और आप सबका जो पोस्ट आया हुआ था रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन विकास रिफाइनरी में पोस्ट निकल के आया था, तो चलिए इसमें हम चलते हैं और वैकेंसी को डिटेल्स में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इज शेड्यूल्ड। तो आप सभी का देखिए एडमिट कार्ड जो आउट होने का डेट है 23/7/2022 से आप सभी का एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा। कहने मतलब है आप सभी 23 जुलाई से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद और आप सभी का एग्जाम देखिए कब होना है, 7 अगस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इज शेड्यूल्ड ऑन 7/8/2022 संडे के दिन, मतलब 7 अगस्त को आप सभी का एग्जाम होगा। बाकी आप अपना एडमिट कार्ड 23/7/2022 से डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और सिलेबस देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ था, जैसे कि सिलेबस फॉर ऑपरेशनल टेक्नीशियन, सिलेबस फॉर बॉयलर टेक्नीशियन, सिलेबस फॉर GR फायरमैन। तो आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे उस पर क्लिक करना है और अपना सिलेबस को डाउनलोड करना है। चलिए एक सिलेबस को हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये वाला सिलेबस फॉर मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हम दिखा देते हैं। चलिए इसको इस वीडियो को कर लेते हैं डाउनलोड पहले। तो सिलेबस है आप सबके सामने, सिलेबस मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो होने वाला है 2 घंटे का आप सभी को समय दिया जाएगा और 100 नंबर का होने वाला है आप सभी का पेपर। पार्ट वन में आएगा जनरल एम्पलीट्यूड और इसमें अगर हम बात करें यूनिट वन में वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज, यूनिट टू में क्वांटिटी एम्पलीट्यूड, यूनिट थर्ड में एनालिटिकल रीजनिंग और यूनिट फोर में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल। और आगे देख सकते हैं पार्ट टू में टेक्निकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें भी सिलेबस है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन में DC मशीन्स और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट से, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड AC से, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ट्रांजिस्टर एंड सिग्नल से, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, माइक्रो कंट्रोलर से, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन से, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल मतलब PLC जो बहुत हाईलाइटेड है और नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस में, पावर सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क से, प्रोटेक्शन एंड स्विच केयर से, स्काडा से आप सभी का सिलेबस आने वाला है, ठीक। बाकी आप दूसरे ट्रेड से रिलेटेड हैं तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड करते हैं जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म को अप्लाई किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन अपडेट से अब तक आप क्लियर हो चुके होंगे और आगे भी ऐसे ही चाहते हैं कि आप सभी को ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचती रहे। खासकर आपने पॉलिटेक्निक ITI BTEC कर रखा है, आप JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं, AP प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप सभी को ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वैकेंसी हो उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुँचती रहे इसी प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए उम्मीद, एक नए रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।